एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश हुए जारी। 24 वर्ष और 30 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने पर जारी हुए क्रमोन्नति पदोन्नति आदेश। आदेश आइए जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश का अवलोकन करते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर, PSM परिसर, दूरभाष क्रमांक 07612015679, डीओजाब योजक चिन्ह mp@mp.nic.in, क्रमांक e2-3v, क्रमोक 2022/13541, जबलपुर, दिनांक 30 नवंबर 2022। आदेश मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक C3-09-2017/3-1 भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2017 एवं संचालक लोक शिक्षण मप्र भोपाल के प्री क्र स्था 03M/67/2017-1802 भोपाल, दिनांक 14 नवंबर 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षक जिनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक पद पर की गई थी। ऐसे निम्नांकित सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने के उपरांत जिला स्तरीय विभागीय क्रमोन्नति पदोन्नति समिति द्वारा योग्य पाए जाने के फलस्वरूप समिति की अनुशंसा के आधार पर 30 वर्षीय तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान 9300-24800 ग्रेड पे 4200-03 संबंधित सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक को अवगत कराया जाता है कि क्रमोन्नति का जो लाभ उन्हें दिया जा रहा है भुगतान प्राप्त करने के पूर्व अपने अभिलेखों से मिलान करें एवं पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त करें। यदि उनके द्वारा क्रमोन्नति का लाभ बिना संतुष्ट हुए प्राप्त कर लिया जाता है और भविष्य में वेतन निर्धारण अनुमोदन उपरांत वसूली का प्रकरण बनता है तो शासन के आदेशानुसार भुगतान की गई राशि पर ब्याज सहित राशि की वसूली होती है, तो इसके लिए संबंधित सहायक शिक्षक ही स्वयं उत्तरदायी होंगे। 04 संबंधित लोक सेवक की सेवा पुस्तिका में इस आदेश के अनुरूप क्रमोन्नति पर वेतन निर्धारण करते हुए कोष एवं लेखा से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही वित्तीय लाभ की पात्रता होगी। जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित शिक्षक की सूची आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।